यहाँ पे हम लोगों ने छोटा सा नाश्ता किया और यहाँ पे ऐसी चीजें मिली पराठे, मोमोज, सैंडविच, दाल, चावल। नीचे एक भैया कह रहे थे घोड़ा कर लो, मैंने पहले घोड़े पे कौन जाएगा, तो कह रहे बच्चे होंगे ना आपके पास, तो रिद्धि कहती है नहीं यहाँ कोई बच्चा नहीं है, तो वो अंकल कह रहे ये है तो बच्चा, मैं बच्चा दिख रही हूँ। ऐसे ही लोग मुझे बच्चा बोल देते तो लोगों को जलन हो जाती है, बूढ़े लोगों को। इको पार्क की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे और यहाँ पे जो टिकट लगती है एडल्ट की लगती है 50 रुपये और बच्चों की लगती है 25 रुपये। ये टिका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप चलो, आप क्या मतलब किचन आ गया ही आता हो गया बाहर। आगे हम लोग उस पॉइंट पे जहाँ पे हमने 8 साल पहले फोटो खींचा थी, पूरे बादल आ गए यहाँ पे। वैसे ये बहुत अच्छा पॉइंट है, नीचे बहुत सारे झूले आपने देखे होंगे, ऊपर ऐसे शांति है और यहाँ पे कुछ कुछ झोपड़ियाँ जैसी बनी हुई हैं, उसमें लोग बैठ के कुछ कुछ लिख रहे हैं, ये भी है यहाँ पे गाने सुन रहे हैं। और पहले के कंपेरिजन यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए प्लेसेस को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट याद आ गया कहाँ पे फोटो ली थी। अब वो पॉइंट दिखाते हैं जहाँ पे फोटो ली थी। ये है वो लकड़ी जिस पे हम लोगों ने बैठ के उड़ के लेट के फोटो खिंचाई थी, बैठ के उड़ के। हाँ, इसकी क्लिप्स डालूंगी मैं वीडियो में, फिर देखूँ मैच करेंगे इसे। और ये शिव जी नए बने हैं, पहले नहीं थे यहाँ पे। और वो जो चेयर है वहाँ पे भी फोटो ली थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं वो वाली चेयर। अब अगले 7 साल बाद आएंगे तो हो सकते हैं और अगले 7 साल। मसूरी में हर तरह के पेड़ दिख रहे हैं, एक तो वो हॉरिजॉन्टल जो घर के पास था, वर्टिकल हर जगह मिलता ही है, और एक ये जो अंदर घुसा हुआ है ब्रांच उसका, और पौधा इधर है।
दिल्ली में मैं अपने बगीचे पे फूल उगाने की कोशिश करती रहती हूँ, और यहाँ देखो इतने सारे फूल। रिद्धि का चलने का मन नहीं होता तो वो ऐसे चलती है। ऐसा लगता है बस बोल दे, गोदी उठा लो। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस मसूरी, थोड़ी देर घूमेंगे क्योंकि शायद हम लोग कल यहाँ से निकल जाए, तो आज रात में यही घूम जाए। धनौल्टी से निकलते ही विजिबिलिटी ऐसी हो गई है और अब बारिश होने की संभावना ज्यादा होती जा रही है। सुबह तक तो नहीं थी, हाँ, और ऐसा सुनने में आया है कि मसूरी में बारिश हो रही है। ये देखो विजिबिलिटी, इसलिए हम लोगों को कनाताल में रुक जाना चाहिए था, बट कुछ लोगों ने मना कर दिया। As promised by Riddhi, ये जो मैंने सुबह मेनू में पढ़ा था ना पूरा एक सांस में, उसके लिए क्योंकि मैं शायद जीत गई, इसलिए मेरे टेरा मिसू आ गया। उसकी मलाई इसमें डाल दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लीजिए आप।
आप ज्यादा खाते हो? चीनी डाली आपने? चीनी डाल दी थी ना? लास्ट टाइम की तरह फिर से दूध वाली मलाई, मलाई वाला दूध, कुछ नहीं दूध वाली मलाई। वैसे ये भी सही है, दूध वाली तो होती मलाई। लास्ट भी ऐसे ही कर रहे थे, डांस करते हैं। हर मौसम का अपना अलग ही मजा है, बारिश का भी, ठंड का भी, गर्मी का भी, बस बारिश और ठंड का। तो जब हम यहाँ आए थे तो बहुत बारिश तो नहीं हो रही थी, ऐसा लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि बहुत बारिश होगी, पर हुई नहीं। और ऐसे ही खाते पीते घूमते फिरते मसूरी का चैप्टर यहाँ खत्म होता है, क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं देहरादून। इतनी छोटी ट्रिप इसलिए क्योंकि छुट्टियां खत्म हो गई। लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्क फ्रॉम माउंटेन किया था, इसलिए 10-15 दिन हो गए थे, एक बार सिर्फ 4 दिन। तो कल जाना है देहरादून, देहरादून से फिर दिल्ली वापस। आई होप आपको ये सारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। अगर व्लॉग अच्छे लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे कल देहरादून में। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, घूमते रहिए, खुश रहिए।